गरीबों की जिंदगी की कोई मोल नहीं है, इसीलिए वैक्सीन लगवाया गया था। नहीं मजदूरी मिलती है, नहीं कुछ मिलता है, आजकल रोजगार नहीं मिल रहा हम लोगों को, खाने पीने को नहीं मिल रहा, काम नहीं मिलता। हिंदू मुसलमान अगर मुसलमान हो ना, नौकरी नहीं मिलती है। मोदी जी अकेले खाएंगे, किसी को खाने नहीं देंगे, ये बोलो। मोदी जी की जुमलेबाजी मुझसे ना पूछो, बोलते बोलते मैं थक जाऊंगा, ठीक है। मोदी जी की सारी झूठ को हमसे ना बुलवा डालो। नारा ये पहले दे दिए 400 पार का, टिक क्यों नहीं सकता? ये हार रहे हैं, खिसियान मिला रहे, खंबा चाट रहे, इसलिए अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। अंगूठा छाप को हम साइड करते हैं, पढ़े लिखो कितना रोजगार मिला आप बताइए। कांग्रेस से कंपेयर कर रहे हैं, 400 का सिलेंडर 1200 कर दिए, 70 रुपया से डीजल पेट्रोल 100 रुपया पहुंचा दिए, यही तो किए हैं अभी। आप ईरानी चूड़ी भेजती थी, सिलेंडर लेके घूमती थी। अरे तो 10 साल में भाई तुम्हारी इनकम नहीं बढ़ी, सब कुछ बेच डाला देश में, बचा क्या? हाई एयरपोर्ट भेज दिया, रेलवे भेज दिया, बचा क्या? मोदी जी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई है, ठीक है। धर्म की बात यहाँ नहीं किया जाता, धर्म की बात करोगे लड़ाई झगड़े के अलावा कुछ रखा नहीं है। केजरीवाल चोर नहीं है, केजरीवाल ईमानदार है। आज तक कोई साक्ष्य मिला? ईडी को कुछ मिला, कोई प्रूफ मिला, कुछ सिद्ध कर पाए? और दो चार जगह अदर पार्टियों की अगर सरकार है तो सब चोर हैं, और 24-25 जगह इनकी सरकार है तो सब ईमानदार हैं। किस वक्त नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर है और जनता की राय जानना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव चल रहा है देश में और जनता किसे चाहती है, परिवर्तन चाहती है या फिर से वही सरकार चाहती है, जानने की कोशिश करेंगे। तमाम लोग हैं यहाँ पर, सर क्या कहेंगे, परिवर्तन होगा या वही सरकार? परिवर्तन होगा। क्यों होगा परिवर्तन? परिवर्तन इसलिए होगा कि मोदी जी ने बेरोजगारी ज्यादा फैलाई है। हाँ। रोजगार नहीं दिया मोदी जी ने, ठीक है। 15 लाख नहीं आए, रोजगार नहीं मिला, ठीक है। डंका नहीं बज रहा, डंका नहीं बज रहा इसलिए कि सबको इन्होंने पैसा खिला के, और ये जो बिकाऊ कुछ चतुरकार मीडिया के लोग हैं इनके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि मोदी जी के सामने कोई टिक ही नहीं सकता। अरे इनको तो नारा ये पहले दे दिए 400 पार का, टिक क्यों नहीं सकता? ये हार रहे हैं, खिसियान मिला रहे, खंबा चाट रहे, इसलिए अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। देखिए कह रहे जीत रहे हैं। अरे उनके कहने से क्या होगा, ये 100 बंदे खड़े हैं, पूछ लो। अभी 30 बोलेंगे मोदी जी, 70 बोलेंगे महागठबंधन। हाँ। पूछ के देख लो अभी। आपको क्या लगता है, बेरोजगारी नहीं है? बेरोजगारी है, बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी है, काम के लिए दुनिया भर के काम है। हाँ। दुनिया बसों में बोतल पानी बेच के जो अनपढ़ है उस हिसाब से लेवल, बसों में बोतल पानी का बोतल बेचना आपको रोजगार लगता? जो अंगूठा टेक है वो क्या करेगा? नहीं, पढ़े लोग, पढ़े लिखे लोगों के लिए कितनी बेरोजगारी, आप मेरी पढ़े लिखे लोगों के लिए कितना रोजगार है? अंगूठा छाप की बात ही छोड़िए, युवाओं की बात। दुनिया भर का रोजगार है जी, दुनिया भर का रोजगार। दुनिया भर सुनिए, अंगूठा छाप को हम साइड करते हैं, पढ़े लिखो कितना रोजगार मिला आप बताइए। बताइए सर क्या कह रहे हैं, पानी क्यों बेचेंगे? गाड़ी घोड़ा चलाएंगे? पानी लाल बत्ती में पानी बेचेंगे? इस चीज का भीख मांग लेंगे? मोदी जी ने भीख मांग लेंगे? कांग्रेस से कंपेयर कर रहे हैं, 400 का सिलेंडर 1200 कर दिए, 70 रुपया से डीजल पेट्रोल 100 रुपया पहुँचा दिए, यही तो किए हैं अभी। कांग्रेस से यही कंपेयर करो। और आप ईरानी चूड़ी भेजती थी, सिलेंडर लेके घूमती थी। अरे तो 10 साल में भाई तुम्हारी इनकम नहीं बढ़ी? 10 साल इनकम बढ़ा दी है, अब घट गई इनकम। क्या कह रहे हैं सर? सुनिए क्या 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 इनकम, तो इनकम मेरी बात सुनिए मैडम। टैक्सी ओला उबर में जो लोग चलाते हैं, या फिर ब्लैक येलो टैक्सी, पहले इंडिया के अंदर ब्लैक येलो टैक्सी थी मुंबई में और दिल्ली में भी, ठीक है। इनके अंदर कोई बैठ के राजी नहीं है, इससे ज्यादा क्या होगा मुझे ये बताओ। इनकम घट गई, बिल्कुल घट गई। कहते थे दोगुनी इनकम कर देंगे, दोगुनी नहीं, कर्जा तो बढ़िया होगा लोगों का। इनकम होगी क्या कर दिया? सब कुछ बेच डाला देश में, बचा क्या? हाई एयरपोर्ट भेज दिया, रेलवे भेज दिया, बचा क्या? मोदी जी, मोदी जी तो सबसे बड़े देशभक्त है। अरे मोदी जी देशभक्त अपने मुँह से होते हैं। अच्छा बताइए, अभी मोदी जी बड़ी वायरल हैं, मोदी जी बड़ी वायरल है सर, कह रहे हैं बहनों का मंगल सूत्र कांग्रेस छीन लेगी। मैडम ऐसा है, कोई भी है, कांग्रेस को छोड़ो, बीजेपी को भी छोड़ो, कोई भी किसी भी बहन बेटी का यदि वो शादीशुदा है, किसी के अंदर हिम्मत है तो वो हाथ लगा के दिखा दे। समझ रहे इस बात को आप? अगर आपके पास दो गाय है, दो घर है, एक कांग्रेस छीन के दूसरे को दे देंगे। अच्छा ये बताइए, मोदी जी मंगलसूत्र की रक्षा कर रहे, बात कर रहे, कह रहे कांग्रेस मंगलसूत्र छीनेगी। अच्छा इन्हीं के जमाने में तो हो गया कुलदीप सेंगर वाला कांड, तमाम कांड बलात्कार का तमाम तो इन्हीं के में हुआ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देके तमाम तो इन्हीं के राज में हो गया। अरे राम मंदिर तो बन गया, राम मंदिर से कितना रोजगार मिल गया कितने लोगों को, तो आरती तो गा सकता है क्या? तो यही गई हो ले लियो,
ताली थाली बजाई हो सब लोग। इंडिया गठबंधन को कहते हैं रामलला का जो है निमंत्रण ठुकरा दिया, ये लोग पापी हैं। कोई नहीं पापी है, धर्म का नाम लोगे तो कोई भाईचारा नहीं बनेगा, ठीक है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई है, ठीक है। धर्म की बात यहाँ नहीं किया जाता, धर्म की बात करोगे लड़ाई झगड़े के अलावा कुछ रखा नहीं है, धर्म की बात हम नहीं करते। अच्छा, कहते हैं केजरीवाल जो है चोर है, दिल्ली को लूट लिया और ये सारा इंडिया गठबंधन जो मिल के चोर को छुड़ाना। केजरीवाल चोर नहीं है, केजरीवाल ईमानदार है। आज तक कोई साक्ष्य मिला, ईडी को कुछ मिला, कोई प्रूफ मिला, कुछ सिद्ध कर पाए, चुनाव बाद केजरीवाल को छोड़ दिया जाएगा। जैसे वो कहीं जनसभा ना कर पाए इसलिए उसको जेल में डाल दिया गया, जानबूझ के जेल में। हाँ, जानबूझ के क्यों नहीं, चोर है तो चार सीट साबित करो, कोर्ट में दिखाओ, चोरी सिद्ध करो ना। क्यों नहीं चोरी सिद्ध हो पा रही है? कभी मीडिया में नहीं डाला है ना इस चीज को कि ये चीज उसके खिलाफ है। हाँ, डाला है, सबूत मिला तभी तो ईडी लेके गई है, ऐसे थोड़ी मीडिया को दिखाएगा। जनता देखी कि मोदी जी कुल देख लेते हैं, मोदी जी को ईडी चोर मिल जाते हैं। 28 राज्य में से 22-23 जगह इनकी सरकार है, सब चोर हैं। और दो चार जगह अदर पार्टियों की अगर सरकार है तो सब चोर हैं, और 24-25 जगह इनकी सरकार है तो सब ईमानदार हैं, हैं, उसमें चोर नहीं है। कह रहे हैं मोदी जी तो कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा भ्रष्टाचारियों को चुन चुन के। मोदी जी अकेले खाएंगे, किसी को खाने नहीं देंगे, ये बोलो। शौचालय क्यों बनवाया है? बताइए, ये कह रहे शौचालय बनवा के दिया है, घर बनवा के दिया है आप लोग, मोदी जी का बनवा के दिया है। उधर जाके देख क्या वो बोरी बदबू मार रही है, वो देख वो। हाँ चलो दिखा दे थोड़ा, मीडिया लेके माइक लेके। क्या शौचालय नहीं है? अब चलो दिखा दूँ ना, चलिए ना। बाथरूम में कोई जाएगा? न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे बाथरूम लोगों को करने के लिए नहीं है, शौचालय में जाना पड़ता है, 10 रुपया लेता है हर बंदे से। और क्या, 10 रुपया? 10 रुपया हर यात्री से, 10 रुपया। स्वच्छता अभियान नहीं है, स्वच्छता अभियान नहीं है। स्वच्छता का क्या हुआ, मोदी जी झाड़ू लगाते हैं, स्वच्छता है कि नहीं है? मोदी जी की जुमलेबाजी मुझसे ना पूछो, बोलते बोलते मैं थक जाऊंगा, ठीक है। मोदी जी की सारी झूठ को हमसे ना बुलवा डालो। कौन बोलेगा? अगर आप बोलेंगे नहीं, कौन बोलेगा? बोल तो दिया, और कितना बोलोगे? किसकी सरकार चाहिए अब की बार? राहुल गांधी की सरकार महागठबंधन की बन रही है, एग्जिट पोल ओपिनियन पोल उठा के सब देख लो। अब की राहुल गांधी की सरकार बन जाएगी महागठबंधन की, तो अखिलेश यादव का आदमी है तो वो भी राहुल है, अखिलेश माने राहुल भी इंडिया गठबंधन में है। सुनिए, वो तो कह रहे हैं कि 400 पार लाएंगे, 4 जून को 400 पार हो, जबरदस्ती 400 पार कर देंगे मोदी जी। हाँ। जेब में लेके बैठे हैं सब वोट भी, जनता हाँ। के दिल में बसते मशीन है उनके पास, कर देंगे वो। हाँ, चोरी से कुछ कर सकते हैं, अगर मतलब आपको चोरी लगता है, ईवीएम में अगर गड़बड़ी कर लेंगे जीत गए, 400 नहीं 500 पार कर सकते हैं। आप कह रहे हैं मोदी जी चोरी करते हैं क्या? और ईवीएम चोरी में करते नहीं मोदी जी, सरकार उनकी है, हमारी थोड़ी है। राहुल गांधी को पप्पू बता रहे हैं और रायबरेली से जो है उनको बहुत कुछ बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि अमेठी से भाग गए हैं। कोई नहीं भागा है, उनको तमाम जगह देखना, पूरे देश में देखना, जहाँ उनको रानी कह रही है कि हमसे लड़ने की ताकत नहीं थी इसलिए नहीं। हाँ, एक बार गलती से चुनाव जीत गई है स्मृति ईरानी। हाँ। अब की बार देख लेना क्या होगा उनका हाल। में 7 सीटें हैं, 7ों पर बीजेपी दावा कर रही है। बीजेपी ऐसे मेयर वाले भी चुनाव कर रही थी, विधानसभा भी कर रही थी, धराशायी हो गई। लेकिन पिछले 10 सालों से तो 7 सीटों पे है ही बीजेपी। क्या जब थी तब थी, हमने फर्स्ट टाइम बीजेपी को भी वोट दिया था कि हो सकता सही काम करेगा, लेकिन 10 साल में इनके कार्यकालों से वाकिफ हो चुका हूँ, अब ये कुछ नहीं सही काम कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, लोग कह रहे हैं कि बीजेपी जब से आई है, मोदी जी जब से आए हैं, तब से देश जो हो गया, देश का देश मजबूत हुआ है, विदेशों में डंका पिट रहा है। कुछ नहीं, देश मजबूत हुआ है। हाँ। देश और पीछे हो गया है, ये बोलो। जनता तो मोदी मोदी कर रही है, उसके बाद कर रही है, पूछ लो ये कितनी जनता खड़ी है। डर से कर रहे हैं। और क्या, डर से कर रहा। आपको पता है कोविड सील जिसने कंपनी ने बनवाया था उसने 52 करोड़ रुपए बीजेपी को दिए, और उसी कंपनी ने ये स्वीकार किया है कि इस वैक्सीन से हार्ट अटैक होता है, खून के थक्के जम जाते हैं। क्या कहेंगे इसके ऊपर, अभी तक जांच क्यों नहीं हुई? तो आप जिस कंपनी ने, भारत की रिपोर्ट नहीं है, ब्रिटिश की रिपोर्ट है, यूके के हाई कोर्ट में, इसके ऊपर जानकारी नहीं है तो मैं कहता गरीबों की जिंदगी की कोई मोल नहीं है, इसीलिए वैक्सीन लगवाया गया था। नई मजदूरी मिलती है, नहीं कुछ मिलता है, आजकल रोजगार नहीं मिल रहा हम लोगों को, खाने पीने को नहीं मिल रहा, काम नहीं मिलता, हिंदू मुसलमान अगर मुसलमान हो ना नौकरी नहीं मिलती है, नौकरी नहीं मिलती है, कंपनी से भगा देते हैं, गेट भर्ती नहीं लेता है कंपनी मालिक,
मुसलमान देख के? मुसलमान का आधार कार्ड देख लेता, ये मुसलमान है भर्ती नहीं लेता। क्यों किया जाता है? वो वही जानेंगे ना, ये सरकार करवा रही है ना। सरकार तो भाईचारे के संदेश दे, भाईचारे के संदेश देती तो हिंदू मुसलमान कहाँ से पैदा हो जाता। हम तो एक भाई भाई है, सब एक थाली में, यहाँ हम एक साथ रहते, हिंदू भी रहते मुस्लिम भी रहते, सब एक ही रूम में खाते पीते रहते, शौक से जीते। लेकिन जीने कहाँ दे रही, जीने नहीं दिया जा रहा। मोदी जी कह रहे राशन दे रहे, युवाओं के लिए तमाम सुविधाएं दी है। क्या दिए हैं आप मेरे बता दो, क्या दिए हैं मुस्लिमों को सुविधा, क्या दिए है हिंदुओं को सुविधा, क्या दिए है या आम जनसंख्या जितने भी है, क्या सुविधा दिए भाई? आपको क्या सुविधा मिला है, आपको क्या सुविधा मिला है? राशन की बात करते हैं, 5 किलो राशन तो पहले भी मिलती थी। पहले राशन नहीं मिलती थी? पहले भी राशन मिलती थी, पहले भी राशन मिलती थी। 400 रुपए का सिलेंडर मिलता था, अब 1000 रुपए का मिल रहा। महंगाई हो गई, महंगाई यही है, दुनिया जान रही है। लोग कह रहे हैं कि हिंदू जो है, हिंदुओं की सुरक्षा मिल रही है, भारत जो है सुरक्षित हाथों में है। मोदी से अच्छा भारत कोई चला ही नहीं सकता। मोदी से अच्छा, मोदी सही है अपने जगह, बट ये है उनके हमचे चमचे जो है ना, ये हिंदू मुसलमान करके बस वोट बैंक लेना जान रहे हैं और कुछ भी नहीं है। तो वोट बैंक के लिए हिंदू मुसलमान किया जाए, वह है ही है, जाहिर सी बात है ये। चलिए, तो ये जो है पब्लिक है और बड़ी बात बता रही है कि जाति आधार कार्ड देख के मुसलमानों को जॉब से निकाल दिया जाता है। तमाम लोगों ने बात की, आपस में भिड़ंत भी हुई, आपने देखा पूरी तस्वीर देखी। लोग अपनी व्यथा बता रहे हैं कि क्या कुछ देश में माहौल है, हिंदू मुसलमान का माहौल है, खाने को खाना नहीं है, गरीबी रेखा में भारत जो है बढ़ता जा रहा है। और जो है तमाम चुनावी जो पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टी हो, मोदी जी की पार्टी हो, बीजेपी और एनडीए, इंडिया गठबंधन, सब मिलकर जो है तमाम बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, लेकिन जनता क्या कुछ कह रही है, ग्राउंड पर क्या हालात है, वो सब हमने आपको दिखाया। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।